वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम मेरे पास ये मैकबुक प्रो है और इसको हम रीसेट करने जा रहे हैं क्योंकि हमें ये फिर से यूज़ करना है किसी और यूज़र आईडी से। तो चलिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि ये मैकबुक प्रो कैसे रीसेट होता है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे ऊपर एक एप्पल का लोगो है, हमें इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद इसमें ऑप्शन आता है सिस्टम सेटिंग्स, हमें इस पर क्लिक करना है। देन एक पेज ओपन होगा आपके सामने और यहाँ पे हमें जाना है जर्नल में। और जर्नल में जाने के बाद ये पूरा जर्नल टैब दिखाई देगा, इसमें नीचे की तरफ दिखाई देगा आपको ट्रांसफ़र और रीसेट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो ओपन होगी और यहाँ सबसे नीचे दिखाई दे रहा है आपको इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम जो लैपटॉप का एडमिन पासवर्ड है वो डालेंगे। और जैसे ही हम यहाँ से पासवर्ड डालेंगे उसके बाद इसे अनलॉक करेंगे, देन ये पूछ रहा है कि आपको आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना। मैंने कहा कंटिन्यू। और जैसे ही मैं यहाँ पे इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा और पूरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं ये अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसी लैपटॉप पे मेरी ना रिकॉर्डिंग चल रही है तो वो भी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रोसेस को होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं, उसके बाद आपके पास एक फ्रेश विंडो ओपन आ जाएगी नमस्ते वाली। उसके बाद आपको फिर से अपनी सेटिंग अपने तरीके से कॉन्फ़िगर करनी है। उसके बाद आपसे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा और आप देखोगे कि आपका पूरा फ्रेश सिस्टम आ गया है वापस, जैसे न्यू लैपटॉप आता है बिल्कुल वैसा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।